जब हर्ष बेनीवाल ने ये अनाउंस किया था कि एक बहुत जल्द वो एक वेब सीरीज़ में आने वाले हैं और किस दिन वो वेब सीरीज़ रिलीज़ होगी, तो उस दिन से लेकर मैं बड़ा एक्साइटेड था कि भी ये सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ हुज़ योर डैडी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है चिराग अरोड़ा ने। इसके अंदर कास्ट है राहुल देव, हर्ष बेनीवाल और बाकी अन्य कलाकार। टोटल इसके अंदर अभी तक 6 एपिसोड है। मेरा इसके मेकर से एक क्वेश्चन है कि क्यों और क्या सोच के सीरीज़ बनाई थी? लोगों को परेशान करने में ज़्यादा खुशी मिलती है क्या? इस सीरीज़ की अगर कहानी की बात करूँ तो 6 एपिसोड देखने के बाद मुझे तो इसमें कोई कहानी क्लियर नहीं हुई, और जिसको भी ये स्टोरी क्लियर हुई उसके लिए मैं बता दूँ, ये बकवास स्टोरी है। इसका हर एपिसोड इतना सरदर्द था, इतना वाहियात था, यही सोच के डर लग रहा था कि यार इसके बाद और भी एपिसोड पड़े हैं, और ये सोच सोच के गुस्सा आ रहा था। सच कहूँ अगर रिव्यू ना करना होता ना इस सीरीज़ का, तो मैं इसको वो थोड़ा सा ही पार्ट देख के मैं इसको बीच में ही छोड़ने वाला था, लेकिन रिव्यू का लालच, हर बार ये रिव्यू का लालच इतनी घटिया सीरीज़ देखने पर मजबूर कर देता है। और ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है ALT बालाजी पे। ये वही है जिसे गंदी बात सीज़न के चार, ये गंदी बात सीरीज़ ऐसे कुछ है, गंदी बात के वो सीज़न 4 आ चुके हैं उसके। उसको अच्छे से पता है भैया कंटेंट में हमने काम नहीं करना, क्योंकि कंटेंट क्या होता है कि लोग कंटेंट नहीं जानते, बस लोगों को वो लड़की ले आओ बीच में उस सीरीज़ के अंदर और वही गंद दिखा दो, वही चीज़ें देख लेंगे। और भारत की जनता है भी वही पागल। वैसे मुझे दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहिए था इस पागल की जगह, पर खैर छोड़ो। बस यही उनको चाहिए होता है। एक वेबसाइट है IMDb जिसके ऊपर इसे 10 में से 9.7 स्टार मिले। कुल टोटल अब तक जब मैंने देखा था 495 लोगों ने इसे वोट किया था, जिसमें से 424 ने इसको 10 आउट ऑफ 10 दिया था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने? या तो इसके क्रू के मेंबर हैं या फिर कोई और ही हैं जो लोग मज़े लेना चाहते हैं इनके मेकर्स के। देखो भाई, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ इसके मेकर्स को, इन लोगों की बातों में मत आ जाना। सिर्फ यही लोग नहीं है, और भी लोग हैं, हम जैसी जनता भी है। दूसरा सीज़न मत निकाल देना, थोड़ा बहुत कंटेंट पे भी काम कर लो। थोड़ा बहुत क्यों, बहुत ज़्यादा कंटेंट पे काम करो भाई। ये बार बार सेक्स दिखा देना या फिर सेक्स वर्ड का यूज़ करना, पोर्न वर्ड का यूज़ करना, गंद दिखाना या गाली निकालना, या दिल्ली की 3 हॉर्नी आंटी जो सेक्स के पीछे भूखी हैं वो दिखा देना, उसे कंटेंट नहीं कहते, ठीक है ना? उसे कहते हैं सरदर्द, बकवास की चीज़ दिखाना। ये उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकती होगी जो सिर्फ वेले बैठे हैं, जिनको कंटेंट की तलाश है। तो भैया दूर रहना इस सीरीज़ से। इससे अच्छा तो यूट्यूब पर हर्ष बेनीवाल की वीडियो है, वही जाकर देख लो, वही ज़्यादा हंसा देंगी। अब एक्टिंग की बात करें, छोड़ ही दो यार एक्टिंग, मुझे बात भी नहीं करनी इस सीरीज़ के बारे में। अब मुझसे पूछो कि मैं इस सीरीज़ को कितने स्टार देना चाहूँगा। देखो मुझे लगता है, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, मुझे लगता है कि 0 स्टार तो ये डिज़र्व करती है, ठीक है? तो मेरी तरफ से 0 आउट ऑफ 10 लगा लो, 100 लगा लो, जो मर्जी लगा लो, 0 स्टार मेरी तरफ से। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।